Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. This is your friend Zarbaz and this is Onabas. आज हम एक और वीडियो पर रिएक्शन लेके हैं. वीडियो का नाम थंबनेल टाइटल से आपको अंदाजा होगा आज हम किस वीडियो पर रिएक्शन लेके. वीडियो का नाम है टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस इन इंडिया. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दें प्रेस और इंस्टाग्राम को लाजमी फॉलो करें. अगर आप इसी तरह किसी और वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर शेयर करें, हम उस पर भी जरूर रिएक्शन देंगे. मिलते हैं वीडियो के बाद, लेट्स गेट स्टार्टेड. 3, 2, 1 एंड कल्पना की गई सारी चीजें उपलब्ध होती है. आलीशान घर एक इंसान को खुशी देता है और उनको फील करवाता है कि उसने अपनी जिंदगी में काफी कुछ पा लिया. इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडिया की 10 सबसे महंगी और आलीशान घर के बारे में, जो कि इंडिया के सबसे रईस लोगों का ड्रीम हाउस है. प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए आपको सबसे अच्छा घर कौन सा लगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पापा कंस्ट्रक्शन चैनल नंबर 10 स्काई मैंसन बेंगलुरु, इसे व्हाइट हाउस भी कहा जाता है. ये एक पेंट हाउस है जो बेंगलुरु के यूबी सिटी में किंगफिशर टावर के टॉप फ्लोर पर बनाया गया है. इस अल्ट्रा लग्जरी मैंसन टाइप पेंट हाउस को विजय माल्या ने अपने लिए बनाया था, लेकिन 2016 में इस पेंट हाउस को कंप्लीट होने से पहले ही विजय माल्या इंडिया से फरार हो गया और उसका ये ड्रीम हाउस ड्रीम ही रह गया. आइए देखते हैं विजय माल्या के इस ड्रीम होम की खासियत. लगभग 40,000 स्क्वायर फीट के इस पेंट हाउस के टॉप पर एक हेलीपैड बना है. पेंट हाउस के चारों ओर ओपन डेक बनाया गया है, साथ ही इसमें इन्फिनिटी स्विमिंग पूल भी है. ये एक हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर प्राइवेट विला है. इस विला के लिए 2 सेपरेट लिफ्ट है. 2016 में इसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए थी. नंबर 9 रतन टाटा हाउस मुंबई. साउथ मुंबई के कोलाबा एरिया में रतन टाटा का शानदार विला है. रतन टाटा देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं. सी फेसिंग ये बंगला लगभग 13,350 स्क्वायर फीट में बना है. इस बंगले में जिम, मीडिया रूम, प्ले रूम और स्विमिंग पूल भी है. इसके अलावा एक खूबसूरत गार्डन भी बनाया गया है. इस शानदार विला की कीमत 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है. नंबर 8 एसएल हाउस. एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा का बंगला दिल्ली के लुटियंस जोन में है. 2016 में इस बंगले को 300 करोड़ रुपए में खरीदा था. नंबर 7 मन्नत. मुंबई के बांद्रा में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का शानदार घर है मन्नत. इस सी फेसिंग बंगला का मार्केट प्राइस 300 करोड़ से ज़्यादा है. शाहरुख खान ने ये बंगला 2001 में ख़रीदा था और इसका नाम मन्नत रखा. 2005 में मन्नत में 6 फ्लोर का एक और बिल्डिंग बनाया गया. मन्नत मुंबई का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहां सैकड़ों लोग डेली अपने फेवरेट सुपरस्टार का एक झलक देखने आते हैं. मन्नत में शाहरुख खान के ऑफिस और उनके घर के अलावा जिम, प्ले रूम, लाइब्रेरी, प्राइवेट बार और इंटरटेनमेंट एरिया भी है. नंबर 6 जाटिया हाउस. जाटिया हाउस मुंबई के मालाबार हिल एरिया में है. ये घर आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला का है. कुमार मंगलम बिरला ने इस बंगले को 2015 में 425 करोड़ रुपए में ख़रीदा था. लगभग 30,000 स्क्वायर फीट के इस बंगले के हरेक रूम से समंदर का खूबसूरत व्यू दिखता है. नंबर 5 गुलिटा. साउथ मुंबई के वर्ली एरिया का ये सी फेसिंग मैंसन आनंद पीरामल और ईसा अंबानी का नया घर है. आनंद पीरामल पीरामल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के दामाद हैं. लगभग 450 करोड़ रुपए के इस बंगले से सी लिंक ब्रिज और अरेबियन सी का खूबसूरत व्यू दिखता है. डायमंड के थीम पर बने इस बंगलों में स्विमिंग पूल, जिम, टेम्पल और 5 फ्लोर के इस बंगले के हरेक फ्लोर पर सेपरेट सर्वेंट क्वार्टर बना है. ये शानदार मेंशन 2018 में बनकर तैयार हुआ था. नंबर 4 लिंकन हाउस. साउथ मुंबई के पेडर रोड पर स्थित ये बंगला बिजनेसमैन साइरस पूनावाला का है. 2 एकड़ के कैंपस में बना ये शानदार हवेली की तरह दिखने वाला बंगला में 30 से ज़्यादा कमरे हैं. साइरस पूनावाला ने इस बंगला को 2015 में 750 करोड़ रुपए में ख़रीदा था. इस शानदार बंगले को बीकानेर के राजा प्रताप सिंह ने बनवाया था.
नंबर थ्री अबोध। अबोध अनिल अंबानी का घर है। 17 मंजिला ये लग्जरी बिल्डिंग मुंबई के पाली हिल एरिया में बना है। लगभग 16,000 स्क्वायर फीट के इस बिल्डिंग की मार्केट प्राइस लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। नंबर टू जेके हाउस। जेके हाउस रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया का आसियाना है। जेके हाउस 37 मंजिला इमारत है जो मुकेश अंबानी के एंटीलिया की तरह दिखती है। लगभग 1 एकड़ में बने इस बिल्डिंग की मार्केट प्राइस 6,000 करोड़ से ज़्यादा है। इस लग्जरी मेंशन में गार्डन, गेस्ट हाउस, स्पा, म्यूजियम, एंटरटेनमेंट एरिया के साथ साथ छत पर हेलीपैड भी बना है। नंबर वन एंटीलिया। एंटीलिया इंडिया ही नहीं वर्ल्ड का सबसे महंगा प्राइवेट घर है। ये घर इंडिया के सबसे अमीर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का है। 27 फ्लोर का ये शानदार घर 40,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जिसमें 168 कार पार्किंग, थिएटर, मंदिर, स्पा, टेरेस गार्डन, स्विमिंग पूल और 3 हेलीपैड बना है। इस बिल्डिंग को मैनेज करने के लिए 600 स्टाफ लगाया गया है। 5 फरवरी 2010 को इस बिल्डिंग की ओपनिंग हुई थी और इसके बनाने में लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुआ था, जिसका अभी मार्केट प्राइस लगभग 15,000 करोड़ रुपये है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब कीजिए। पापा कंस्ट्रक्शन किसी और वीडियो पर रिएक्शन या तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर शेयर करें, उसमें भी जरूर रिएक्शन देंगे। मुझे पर्सनली जो वीडियो अच्छी लगी, जिस वीडियो के बारे में ना जिस घर के बारे में नाम सुना था, मैंने 2 घरों का नाम सुना था, मन्नत और इंटीरियर। मन्नत शाहरुख खान का घर है और इंटीरियर जो है मुकेश अंबानी का। तो अगर आप इसी तरह की मुझे पर्सनली जो मुकेश अंबानी के घर जितना लगा, तो पर्सनली मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर आप इसके किसी और पार्ट पर या किसी और वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर शेयर करें, हम उस पर भी जरूर रिएक्शन देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पीस।